अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूँ माहम अब्बास। पहले इसराइल और अब भारत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम दुश्मन मुमालिक से कुछ ज़्यादा ही जुड़ने लग गया है। दुश्मन मुल्क भारत के दरिंदे और मुसलमानों के कातिल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को ख़त लिख दिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को ख़त लिखकर इनकी वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया। भारतीय नाज़िम उल उमूर ने 11 दिसंबर को ताज़ियती ख़त मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज को इनके लाहौर के पते पर भिजवाया, जिसमें इनसे ताज़ियती ख़त लंदन में मुकीम नवाज शरीफ तक पहुंचाने की दरख्वास्त की गई थी। नरेंद्र मोदी की तरफ से नवाज शरीफ को 27 नवंबर को लिखे गए ताज़ियती ख़त में कहा, मियाँ साहब, आपकी वालिदा बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर बहुत अफसोस हुआ और दुख के इस वक्त में हम आपसे इजहार ताज़ियत करते हैं। 2015 में मुख्तसर दौरे में आपकी वालिदा से मिला था। इनकी सादगी और गर्म जोशी बहुत मुतासिरकुन थी। मैं खुदा से दुआगो हूँ कि आपको और आपके ख़ानदान को इस नाकाबिल तलाफी नुकसान बर्दाश्त करने का हौसला अता फरमाए। मोदी के इस ख़त के बाद शोर मज़ीद मच गया कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। नवाज शरीफ के मोदी से ज़ाती और कारोबारी ताल्लुकात थे, ये बात साबित होती जा रही है। दूसरी जानिब अभी पिछला ज़ख़म सूखा नहीं था कि ये मोदी वाला नया घाव आ गया। एक रोज़ पहले ही मरियम बीबी ने गलती से सच बोल दिया था। मरियम नवाज ने ट्विटर पर एक इसराइली अखबार की झूठी रिपोर्ट ना सिर्फ शेयर की और ट्वीट किया, जिसमें इन्होंने इसराइली टेलीविज़न I-24 को दिए गए नूर दाहिरी के मुख्तसर इंटरव्यू का एक क्लिप शेयर किया और नूर दाहिरी की ट्वीट में लिखी गई लाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया। मरियम नवाज ने यह क्लिप तो हुकूमत के ख़िलाफ़ शेयर किया था, लेकिन ये इनके अपने ही ख़िलाफ़ हो गया, क्योंकि इस वीडियो में नूर दाहिरी ने दावा किया था कि माजी में जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो इन्होंने 2 बार इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के लिए वफ्द भिजवाए थे, और जब बेनज़ीर हुकूमत में थी तो इन्होंने वाशिंगटन में इसराइली वफ्द से मुलाकात की थी। इन्होंने भी ताल्लुकात की बहाली से मुतालिक बातचीत की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान के डिजिटल मीडिया अफेयर्स पर फोकल पर्सन डॉक्टर अरसलान खालिद ने मरियम नवाज के इंटरव्यू के क्लिप शेयर करने वाली ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा, अब इस क्लिप को डिलीट मत करना। और तभी मरियम नवाज ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। पहले इसराइल और अब भारत। लगता है जब इख्तदार में थे तब मियाँ साहब पाकिस्तान तली पर लिए फिर रहे थे। कभी किसी दुश्मन से राबता तो कभी किसी दुश्मन से मुलाकातें। नवाज शरीफ तो हुकूमत से चले गए, मगर आफ्टर शॉक्स अब सामने आ रहे हैं। अभी तो बस दो मुमालिक की बात सामने आई है। देखते हैं मियाँ जी और क्या क्या गुल खिला कर गए हैं।